हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दौसा। माय सेल्फ रीना जारवाल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम बात करेंगे कंपनसेटर की। सो जनरली जो कंपनसेटर होता है वो किसी भी सिस्टम को स्टेबल करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, या बेसिकली हम कह सकते हैं कि कंपनसेटिंग नेटवर्क वो है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी सिस्टम में जो डेफिशिएंसीज आती हैं उनको एडजस्ट करके सिस्टम को स्टेबल कर सके। जनरली जो कंपनसेटिंग डिवाइस है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी हो सकती हैं, मैकेनिकल फॉर्म में भी हो सकती हैं, हाइड्रोलिक फॉर्म में भी हो सकती हैं एट्सेट्रा। जनरली हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की, सो इलेक्ट्रिकल कंपनसेटर्स हम जो यूज़ करते हैं वो RC फिल्टर्स होते हैं, मीन्स रजिस्टर और कैपेसिटर्स के, जो जनरली रजिस्टर और कैपेसिटर्स की हेल्प से जो फिल्टर्स बनाए जाते हैं डैट इज़ RC फिल्टर। सो जो सिंपलेस्ट नेटवर्क होता है कंपनसेटर के लिए, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो लीड और लैग नेटवर्क होता है। सो हम बात करेंगे वन बाय वन सब की। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, नेसेसिटी क्यों है, मीन्स नेसेसरी ऑफ कंपनसेशन। सो जनरली इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम वी यूज़ कंपनसेटिंग नेटवर्क, मीन्स किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस को प्रॉपर करवाने के लिए, बेसिकली कह सकते हैं किसी भी सिस्टम की डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस को ऑब्टेन करने के लिए हम कंपनसेटिंग नेटवर्क को यूज़ करते हैं। जनरली किसी भी सिस्टम को कंपनसेट इसलिए भी किया जा सकता है ताकि वो स्टेबल हो। किसी भी कंपनसेटिंग नेटवर्क का यूज़ ओवरशूट को मिनिमाइज़ करने के लिए भी किया जाता है। जनरली कंपनसेटिंग नेटवर्क इंक्रीज़ कर देते हैं स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी को किसी भी सिस्टम की। एंड कंपनसेटिंग नेटवर्क्स होते हैं जनरली वो जितने भी हमारे पास, बेसिकली ये कह सकते हो कि ट्रांसफ़र फंक्शंस में जो चेंजेस हो रहे हैं, किसी भी सिस्टम के ट्रांसफ़र फंक्शन में जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस भी प्रॉपर कंपनसेटिंग नेटवर्क के थ्रू इजीली कराए जा सकते हैं। सो बेसिकली वी कैन से दैट टू ऑब्टेन द डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस वी यूज़ कंपनसेटिंग नेटवर्क, टू मेक द सिस्टम स्टेबल वी यूज़ कंपनसेटिंग नेटवर्क, टू मिनिमाइज ओवरशूट कंपनसेटिंग नेटवर्क इज़ रिक्वायर्ड, एंड फॉर इंक्रीजिंग द स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम कंपनसेटिंग नेटवर्क इज़ इंट्रोड्यूस्ड फॉर दिस, एंड कंपनसेटिंग नेटवर्क ऑल्सो इंट्रोड्यूस पोल्स एंड ज़ीरो इन द सिस्टम देयर बाय कॉजेज द चेंजेस इन ट्रांसफ़र फंक्शन। सो ड्यू टू दिस परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम चेंज। सो दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ कंपनसेशंस। सो आगे बात करते हैं मैथड ऑफ कंपनसेटर्स की। सो कंपनसेटर्स के थ्री मैथड्स हैं, फर्स्ट है सीरीज कंपनसेटर, सेकेंड है फीडबैक कंपनसेटर एंड थर्ड है लोड कंपनसेटर। सबसे पहले बात करते हैं हम सीरीज कंपनसेटर की। सो जब कंपनसेटर को एरर डिटेक्टर और प्लांट के बीच में कनेक्ट किया जाए सो जनरली वो कंपनसेटर सीरीज कंपनसेटर होता है, मीन्स कनेक्टिंग द कंपनसेटिंग सर्किट बिटवीन एरर डिटेक्टर एंड प्लांट इज नॉन एज सीरीज कंपनसेशन। सो यहाँ पर ROS एज अ इनपुट वर्क कर रहा है, COS एज अ आउटपुट वर्क कर रहा है, ZOS एज अ प्लांट एंड दिस इज द कंपनसेटर एंड दिस इज द फीडबैक एलिमेंट। सो वी कैन से दैट व्हेन अ कंपनसेटर इज कनेक्टेड बिटवीन द एरर डिटेक्टर एंड प्लांट इट इज वर्कड एज सीरीज कंपनसेटर। आगे बात करते हैं फीडबैक कंपनसेटर की। व्हेन अ कंपनसेटर इज यूज्ड एज फीडबैक एलिमेंट और वी कैन से दैट अ कंपनसेटर यूज इन अ फीडबैक मैनर इज नॉन एज फीडबैक कंपनसेशन, मीन्स वही यहाँ पर ROS एज अ इनपुट, COS एज अ आउटपुट, कंपनसेटर यहाँ पर देखिए इसका जो आउटपुट है कंपनसेटर जनरली फीडबैक होकर हमारे पास यहाँ मिल रहा है। सो कंपनसेटर एक फीडबैक मैनर में कनेक्टेड है। सो द सिस्टम इन विच कंपनसेटर इज कनेक्टेड एज अ फीडबैक मैनर इज नॉन एज फीडबैक कंपनसेटर। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फीडबैक कंपनसेटर।
आगे बात करते हैं लोड कंपनसेटर की। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड फीडबैक कंपनसेटर इज नॉन एज लोड कंपनसेटर। मीन्स जब हम लोग सीरीज कंपनसेटर और फीडबैक कंपनसेटर को मिलाकर कोई कंपनसेटर बनाएं, दैट इज़ अ लोड कंपनसेटर। तो यहाँ पे देखिए, सीरीज और फीडबैक दोनों के कॉम्बिनेशन से इस डायग्राम को बनाया हुआ है। वही आर ऑफ एस यहाँ पर एज अ इनपुट वर्क कर रहा है, सी ऑफ एस एज अ आउटपुट। यहाँ पर कंपनसेटर एक फीडबैक में भी कनेक्टेड है। एंड अगर हम बात करें पूरी, तो ये पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन की तरह दिखाई दे रहा है सीरीज़ और फीडबैक कंपनसेटर का। सो जनरली सीरीज़ और फीडबैक कंपनसेटर को जब कंबाइंड करते हैं तो एक नया कंपनसेटर तैयार होता है जिसे लोड कंपनसेटर कहा जाता है। सो दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ लोड कंपनसेटर। सो वी कैन से दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड फीडबैक कंपनसेटर इज़ नॉन एज लोड कंपनसेशन। अब बात आती है जो स्पेशल टाइप्स हैं, जनरली फेज लीड कंपनसेशन। ठीक है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फेज लीड कंपनसेशन। अब बात आती है फेज लीड कंपनसेशन है क्या। तो ध्यान रखिएगा, जनरली कोई ऐसा सिस्टम जिसमें एक पोल हो और एक डोमिनेटिंग जीरो, वो एक लीड नेटवर्क की तरह वर्क करता है। अब बात आती है कि डोमिनेटिंग ज़ीरो का मतलब क्या है। तो वो ज़ीरो जो कि ओरिजिन के सबसे पास हो, जितने भी ज़ीरोज वहाँ पर हैं उनमें सबसे पास जो ज़ीरो ओरिजिन के होगा, दैट इज़ डोमिनेटिंग ज़ीरो। सो जनरली वी कैन से दैट अ सिस्टम विच हैज़ वन पोल एंड वन डोमिनेटिंग ज़ीरो इज़ नोन एज लीड नेटवर्क। एंड इफ़ वी वॉन्ट टू एड अ डोमिनेटिंग ज़ीरो फॉर कंपनसेशन इन कंट्रोल सिस्टम, देन वी हैव टू सेलेक्ट लीड कंपनसेटिंग नेटवर्क। सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फेज लीड कंपनसेशन की, वो क्या है कि इसमें जितने भी पोल्स एंड ज़ीरो हैं किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन के, वो हमेशा नेगेटिव रियल एक्सेस में लाए करने चाहिए। मीन्स बेसिकली वी कैन से दैट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द फेज लीड नेटवर्क इज दैट ऑल पोल्स एंड ज़ीरोज ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ द नेटवर्क मस्ट लाई ऑन नेगेटिव रियल एक्सेस, इंटरलेसिंग ईच अदर विद द ज़ीरो लोकेटेड एट द ओरिजन ऑफ नियरेस्ट ओरिजन। मीन्स बेसिकली वही बात कि सिस्टम है जिसमें एक पोल और एक डोमिनेटिंग ज़ीरो हो। डोमिनेटिंग ज़ीरो का मतलब ये आप समझ ही गए हैं, जब मल्टीपल ज़ीरोज हमें दिखाई दे रहे हैं, सो ज़ीरोज में जो सबसे ज़्यादा करीब होगा ओरिजिन के, वो ज़ीरो डोमिनेटिंग ज़ीरो की तरफ वर्क करेगा। जनरली वो लीड नेटवर्क की तरह काम करता है, यानी कि एक पोल एक डोमिनेटिंग ज़ीरो हमें दिखाई दे रहा हो। इसमें क्या होता है, सबसे जो बेस्ट रिक्वायरमेंट है जनरली इसकी कि पोल्स एंड ज़ीरो जिस किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन के किसी भी नेटवर्क के होंगे, वो हमेशा नेगेटिव रियल एक्सेस में लाए करेंगे। आगे बात आती है इसके सर्किट डायग्राम की। तो देखिए, यहाँ पर हमें एक सर्किट डायग्राम दिख रहा है। देखिए, इस सर्किट डायग्राम में हमें EI एज अ इनपुट वोल्टेज, E0 एज अ आउटपुट वोल्टेज, C एज अ कैपेसिटर, R1 एज अ रजिस्टर फर्स्ट रजिस्टेंस, R2 सेकेंड रजिस्टेंस एंड I1 करंट को रिप्रेजेंट करिए, एंड I2 भी करंट को रिप्रेजेंट करिए, और एरो इनकमिंग और आउटगोइंग करंट की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो यहाँ पर देखिए, इस सर्किट की हेल्प से अगर मैं I1 कैलकुलेट करूँ तो हमारे पास निकलेगा C डिफरेंशिएशन ऑफ डी, मीन्स डी ओवर डी टी EI माइनस E0, यानी कि I1 इज इक्वलेंस टू CD ऑफ डी बाय डी टी इनपुट वोल्टेज माइनस आउटपुट वोल्टेज। अब हमको पता है V इजिकल्स टू IR होता है, तो I इजिकल्स टू क्या होगा, V अपॉन R होगा। तो बेसिकली हमारे पास जो सेकेंड करंट आएगी वो क्या आएगी, EI माइनस E0 बटे R1। अब टोटल करंट जो होगी हमारे, डेट इज़ I1 प्लस I2। सो दोनों करंट जो भी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड की जो करंट आई है उन सबको जोड़ देंगे, एंड उसके बाद हमारे पास अगेन हम चेक करेंगे कि हमारे पास
आई की और क्या हो सकती है। तो टोटल आई हमारे पास यहाँ पर E0/R2 से डिपेंड करके निकल रहा है। नाउ इक्वेट करेंगे एक्सप्रेशन को। सो जनरली जब हम इक्वेट करेंगे यानी कि आई की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, यानी कि ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन आई है इसमें आई की वैल्यू पुट की, आई की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास ये इक्वेशन आई, मीन्स E0/R2 इज इक्वलेंस टू CD/DT EI-E0+EI-E0/R1। ये जीरो मीन्स ये EO है, आउटपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आगे बात करते हैं। जैसे हमने सब्सटीट्यूट किया तो वहाँ पर कुछ अल्फा और टी की वैल्यूज पुट करेंगे। सो दिस इज़ द वैल्यूज़ जिसको हम उस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। अल्फा की वैल्यू पुट करनी है R1+R2/R2 एंड टी की वैल्यू R1/R2/R1+R2 एंड टी और अल्फा यहाँ पर क्या है, टी तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट की तरह वर्क कर रहा है और अल्फा यहाँ पर एटीन्यूएशन कांस्टेंट की तरह वर्क कर रहा है। जैसे हम पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो लीड नेटवर्क का ट्रांसफर फंक्शन होगा दैट इज 1/α(1+α ST)/1+ST। सो दिस इज़ द ट्रांसफर फंक्शन। आगे बात करते हैं, जैसे हमने ये ट्रांसफर फंक्शन निकाला उसके बाद हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से प्लॉट करना है। सो जनरली पहले आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ हमारे पास ज़ीरो और पोल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो हमारे पास अगर मैं ज़ीरो की बात करूँ पोल की बात करूँ तो ज़ीरो हमें दिखाई दे रहा है माइनस के 1/T एंड पोल दिखाई दे रहा है माइनस के 1/α(t). हमने यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट किया, वैल्यूज़ को मार्क किया। जैसे ही मार्क किया तो देखिए ओरिजिन के सबसे पास क्या रहा हमारे पास, ये वाला ज़ीरो। सो दिस इज़ द लीड नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पर एक पोल है और एक डोमिनेटिंग ज़ीरो है। सो दिस इज़ द पोल एंड ज़ीरो प्लॉटिंग इन लीड कंपनसेटिंग नेटवर्क। आपको ये चीज़ पता ही है, ये रियल एक्सिस को शो करता है, ये इमेजिनरी एक्सिस को। ये कम्प्लीटली एस प्लेन है हमारे पास। ये नेगेटिव रियल एक्सिस पे हमारे पास जीरो और पोल सब्सटीट्यूट हो रहे हैं। सो दिस इज़ द बेसिक प्लॉटिंग ऑफ पोल एंड ज़ीरो इन एस प्लेन। आगे बात करते हैं कि अब आगे अगर हम देखें तो क्या है। सो जनरली वी कैन से दैट -1/T विच इज़ अ ज़ीरो ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज़ क्लोजर टू ऑरिजन। हाँ ये मैं आपको ऑलरेडी बता सकती हूँ। देन द माइनस के 1/α(t) मीन्स जो माइनस के 1/t है वो क्लोज़र है ओरिजन के। कंपेरिजन करें अगर माइनस के 1/α(t) से तो वो ज़्यादा क्लोजर है -1/t। सो वी कैन से दैट लीड कंपनसेटर ज़ीरो इज़ मोर डोमिनेटिंग दैन द पोल। सो बिकॉज ऑफ दिस इट इंट्रोड्यूस पॉजिटिव फेज एंगल। मीन्स ज़ीरो डोमिनेटिंग है, ओरिजिन के सबसे ज़्यादा पास है, इसकी वजह से वो पॉजिटिव फेज एंगल को इंट्रोड्यूस करेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, एस की जगह पर जे ओमेगा पुट करेंगे एंड एंगल फंक्शन को ऑब्टेन करेंगे। सो दिस इज़ द एंगल फंक्शन ऑफ फेज लीड नेटवर्क दैट इज़ 10 inverse ω(T) -10 inverse α ω(T). अल्फा एटीन्यूएशन कांस्टेंट एंड टी टाइम कांस्टेंट। आगे बात करते हैं हम लोग अल्फा। सो अल्फा की वैल्यू दिस 1 - sin θ / sin θm / 1 + sin θm, जहाँ पर थीटा एम इज़ द मैक्सिमम फेज लीड एंगल। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फेज लीड कंपनसेशन की। सो द वेलोसिटी कांस्टेंट के वी से रिप्रेजेंट करते हैं इंक्रीज। फर्स्ट इफेक्ट ऑफ फेज लीड कंपनसेशन इज दैट वेलोसिटी कांस्टेंट इज इंक्रीज, फेज मार्जिन इज इंक्रीज, रेस्पॉन्स बिकम फास्टर एंड द स्लोप ऑफ द मैग्नीट्यूड प्लॉट रिड्यूस एट द गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। सो द रिलेटिव स्टेबिलिटी इम्प्रूव्स। मीन्स देखो फेज लीड नेटवर्क जो कंपनसेशन है जनरली उसकी वजह से हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट इंक्रीज होगा, फेज मार्जिन इंक्रीज होगा, रिलेटिव स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी एंड जो भी सिस्टम है वो मोस्टली फास्टरली रेस्पॉन्स करेगा। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फेज लीड कंपनसेशन। अब बात आती है एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। एडवांटेज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेज लीड नेटवर्क
द स्पीड ऑफ द सिस्टम इंक्रीज एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेजलीड कंपनसेशन मैक्सिमम ओवरशूट डिक्रीज। तो बेसिक से बात है यहाँ पर जो एडवांटेज है वो ये है कि मैक्सिमम ओवरशूट डिक्रीज हो जाएगा एंड स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। बट एक डिसएडवांटेज भी इसमें जनरेट होता है, दैट इज स्टेडी स्टेट एरर इज नॉट इम्प्रूव। मतलब वहाँ पर जो भी स्टेडी स्टेट एरर होगी वो इम्प्रूव नहीं की जा पा रही है, उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ फेज लीड कंपनसेशन। आगे बात करते हैं फेज लैग कंपनसेशन की। अब बात आती है फेज लैग कंपनसेशन क्या है। फेज लीड में क्या था, एक जीरो था और एक पोल था और एक डोमिनेटिंग जीरो था। फेज लैग में क्या होता है, सिस्टम विच हैज़ वन जीरो एंड वन डोमिनेटिंग पोल इज नोन एज लैग नेटवर्क। वही डोमिनेटिंग पोल का मतलब सब पोलों में से वो पोल जो ओरिजिन के सबसे ज़्यादा करीब हो, दैट इज मीन्स जैसे ये है तो ये ओरिजिन है, इसके सबसे ज़्यादा करीब जो भी पोल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल दो पोल है हमारे पास, तो ये वाला ज़्यादा करीब है तो ये डोमिनेटिंग पोल हो गया। सो वो पोल जो ओरिजिन के सबसे ज़्यादा करीब हो मीन्स डोमिनेटिंग पोल और एक ज़ीरो हो, वो सिस्टम हमारे पास लैग नेटवर्क की तरह काम करता है। सो अ सिस्टम विच हैज़ वन ज़ीरो एंड वन डोमिनेटिंग पोल इज नोन एज लैग नेटवर्क। जनरली इफ़ वी वॉन्ट टू एड अ डोमिनेटिंग पोल फॉर कंपनसेशन इन कंट्रोल सिस्टम देन वी हैव टू सेलेक्ट लैग कंपनसेशन नेटवर्क। आगे बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट की। सो द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द फेज लैग नेटवर्क इज दैट ऑल पोल्स एंड जीरो ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन मस्ट ट्रांसफर फंक्शन मस्ट लाई इन नेगेटिव रियल एक्सिस इंटरलेसिंग ईच अदर विद द पोल लोकेटेड और द नियरेस्ट टू द ओरिजिन। मीन्स आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब किसी एस प्लेन में ओरिजिन के पास में एक पोल दिखाई दे आपको, बहुत सारे पोलों में लेकिन सबसे ज़्यादा एक पोल आपको नज़र आए तो वो डोमिनेटिंग पोल होता है। सो जनरली एक जीरो और एक डोमिनेटिंग पोल जब किसी प्लेन में नज़र आ रहा है दैट इज़ अ लैग नेटवर्क। यहाँ पर इसका एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, सो दिस इज़ द सर्किट डायग्राम फॉर लैग नेटवर्क। वही इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, दिस इज़ द रेजिस्टेंस एंड आई रिप्रेजेंटेड द करंट एंड सी फॉर कैपेसिटर। पोल ज़ीरो प्लॉट ऑफ लैग नेटवर्क। सो जनरली यहाँ पर वही ये ज़ीरो है, ये हमारे पास पोल है, तो ओरिजिन के पास में हमारे पास पोल आ रहा है यानी कि दिस इज़ द डोमिनेटिंग पोल। सो दिस इज़ द प्लॉटिंग ऑफ पोल एंड ज़ीरो इन लैग नेटवर्क। सो सिग्मा रिप्रेजेंटेड एज रियल एक्सिस, जे ओमेगा रिप्रेजेंटेड एज इमेजनरी एक्सिस। अब बात करते हैं इफ़ेक्ट्स की। सो जनरली गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेस, बैंडविड्थ डिक्रीजेस, फेज मार्जिन विल बी इंक्रीज एंड रिस्पॉन्स विल बी स्लोअर। सो जनरली इसमें क्या होता है, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी तो इंक्रीज होगी, बैंडविड्थ इसकी डिक्रीज होगी, फेज मार्जिन को इंक्रीज करेगा और रिस्पॉन्स इसका स्लोअर हो जाएगा। तो ये इफ़ेक्ट्स हैं जो लैग कंपनसेशन की वजह से पड़ते हैं। सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ फेज लैग कंपनसेशन। एडवांटेज क्या क्या हैं, पहला एडवांटेज फेज लैग नेटवर्क अलाउ लो फ्रिक्वेंसी एंड हाई फ्रिक्वेंसीज आर एटेन्यूएटेड एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेज लैग कंपनसेशन स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी इंक्रीज। डिसएडवांटेज क्या है, सिस्टम की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। सो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है फॉर फेज लैग कंपनसेशन। अब बात आती है फेज लैग एंड लीड कंपनसेशन। सो जनरली हम जब लैग नेटवर्क यूज़ कर रहे थे यानी लैग कंपनसेटर यूज़ कर रहे तो सिस्टम की स्पीड डिक्रीज हो रही थी, लीड कंपनसेटर यूज़ कर रहे थे तो स्टेडी स्टेट एरर इंक्रीज हो रहे थे, मतलब सेटिस्फिकेशन हमें दोनों ही कंपनसेटर से नहीं मिला है। सो जनरली जब हमको फास्ट रेस्पॉन्स भी चाहिए एरर भी नहीं चाहिए तो इन दोनों का कम्बाइंड करके हम लोग एक कंपनसेटर
यूज़ करते हैं, डैट इज़ फेज़ लैग लीड कंपनसेटर। सो यहाँ पर देखिए, फेज़ लैग और लीड दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। सो दिस इज़ द फेज़ लैग लीड कंपनसेशन सर्किट डायग्राम। सो जनरली वी कैन से दैट विथ अ सिंगल लीड और लैग कंपनसेशन में नॉट सेटिस्फाई डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन फॉर एन अनस्टेबल अनकम्पनसेटेड सिस्टम, लीड कंपनसेशन प्रोवाइड फास्ट रिस्पॉन्स बट डज नॉट प्रोवाइड इनफ फेज मार्जिन, वेयर एज लैग कंपनसेशन स्टेबलाइज द सिस्टम बट डज नॉट प्रोवाइड इनफ बैंडविड्थ। मीन्स लीड नेटवर्क तो हमें फेज मार्जिन नहीं दे रहा इनफ, लैग नेटवर्क हमें प्रॉपर बैंडविड्थ प्रोवाइड नहीं करवा रहा। सो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों लीड और लैग नेटवर्क को कंपनसेटिंग नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर कास्केडेड फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ द फेज लीड एंड लैग नेटवर्क। नाउ दिस इज़ द ट्रांसफ़र फंक्शन फॉर लैग एंड लीड नेटवर्क। सो दिस इज़ द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ फेज लैग लीड नेटवर्क। दिस इज़ द होल ज़ीरो। सो जनरली यहाँ पर देखिए, हमारे पास ये दो ज़ीरो रिप्रेजेंट हो रहे हैं एंड दो पोल रिप्रेजेंट हो रहे हैं। एस प्लेन पर है, दिस इज़ द इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज़ द रियल एक्सिस। सो बेसिकली हमारे पास लीड और लैग कंपनसेटर दोनों के कॉम्बिनेशन से ये प्लॉटिंग हो रही है, बिकॉज उनका दोनों का कॉम्बिनेशन एज अ सर्किट डायग्राम यूज़ किया गया है। सो दिस इज़ द पोल ज़ीरो प्लॉट लैग लीड नेटवर्क। थैंक यू।